यस सर, आकाश सर, ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिमेट्री एंड एक्सरसाइज 13.1 सम नंबर 6। ओके, सम नंबर 6 एक्सरसाइज 13.1 राइट द लेटर ऑफ वर्ड्स जस्ट लुक विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। वी फाइंड द वर्ड्स ऑफ जस्ट लुक। वी चेक विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। J, J, we can't divide two balanced part. Okay, we can say that it has no symmetry. No symmetry. Right? U. We can divide two balanced part. It means it has one line of symmetry. Yes, line of symmetry one line of symmetry. Okay, and S. No symmetry. Why? That's why we can't divide two balanced part. S. T. T S. One line of symmetry. That's why we divide two balanced part. And just L. Look. L, no symmetry, that's why we can't divide two balanced part. O, yes, O, O, yes, that's why one line of symmetry, we divide into two balanced parts. And K, no, that's why we can't divide two balanced parts. J, once again, J, answer is J, no symmetry. S, no symmetry. L, no symmetry. K, no symmetry. It's okay. Complete the sum and complete the exercise. Sum number 7 is optional. You try yourself. Next exercise 13.2. Okay, exercise 13.2. First of all, we discuss activity 11. Page number 270. Reflection of an object. The diagram or pictures is given on a square paper. Draw a triangle ABC. As long as find its mirror reflection, show image with L as the mirror line. Triangle. Complete the just look and discuss the exercise 13.2.
ओके 13.2 एंड टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द फिगर गिवन ऑन पेज नंबर 270 एक्टिविटी 11 गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड वी फाइंड रिफ्लेक्शन इट इज लेफ्ट साइड एंड रिफ्लेक्शन राइट साइड। लेफ्ट साइड द ऑब्जेक्ट गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी इज गिवन ट्राइंगल एंड लाइन डॉटेड लाइन एल एंड राइट साइड ए डैश बी डैश एंड सी डैश रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और रिफ्लेक्शन ट्राइंगल वी कैन से ए डैश B dash and C dash. Okay. Use scale, ruler, measurement A, B, B, C, and C A, and also A dash, B dash, B dash, C dash, C dash, A dash. Measurement by protractor, angle A, B, C, angle A dash, B dash, C dash. Right? फिर से समझिए से आपको ट्रायंगल एबीसी गिवन है और इस ट्रायंगल का मिरर जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्शन करता है इस लाइन से राइट साइड और लेफ्ट साइड है वो एबीसी ट्रायंगल है उसका रिफ्लेक्शन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी है। यू कैन मेजर एंगल ए बी एंड सी एंगल A dash, B dash, C dash, sides by scale, side AB, AB, BC and CA, same in triangle ABC and in triangle A dash, B dash and C dash. The measure with the ruler or scale, side measure AB, BC and CA, angle A, angle B, angle C. Second, you measure angle A, angle B and angle C. Reflection triangle A dash, B dash and C dash. किसका रिफ्लेक्शन है ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी का ही रिफ्लेक्शन ट्रायंगल है। ओके वी सो ए डैश बी डैश द मेजर साइड्स ए डैश बी डैश सी डैश एंड सी डैश ए डैश। फर्स्ट ऑफ मेजर ए बी बी सी एंड सी सेम द कंडीशन सेम यूज स्केल और रूलर ए डैश बी डैश बी डैश सी डैश सी डैश ए डैश एंगल ए बी सी और एंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश। क्वेश्चन मार्क का मीनिंग यू मेजर योरसेल्फ। ओके सेज के आप से मेजर कर सकते हो और जो लाइन एल थी लाइन ऑफ सिमेट्री एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग भी एक बार अंडरस्टैंडिंग करिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर का मीनिंग एंड बाइसेक्टर का मीनिंग दोनों के वर्ड मीनिंग क्या क्या है। बाइसेक्टर किसी जहां पर भी बाइसेक्टर होता है वो किसी लाइन पे हो लाइन सेगमेंट पे हो ट्रायंगल
खींच सकते हो, वो जो लाइन पे लाइन सेगमेंट पे तो बाइसेक्टर है, तो इसके टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा बाइसेक्टर और रूल रूल इज बाइसेक्टर कोई लाइन लाइन सेगमेंट की लाइन आपने ड्रॉ कर ली 10 सेंटीमीटर सपोज करो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली ये वाली आपको कंपास की हेल्प से बिना हेल्प ऑफ कंपास 10 है 10 से गुणा 5 हाफ मोर देन हाफ मोर देन 5.1 5.2 ओके 5.1 लीजिए 5.4 एक आर्क ऊपर ड्रॉ कर देना सेम आर्क नीचे ड्रॉ कर देना इससे कंपास सेंटर है सेंटर दिस अब इसको हटाइए यहां से सेंटर इस साइड यानी राइट साइड और सेम कंपास आपके हिल के लिए चाहिए सेम कंडीशन पे आपका एक आर्क इधर और एक आर्क इधर इट इज अ बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर मींस मेक 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल ये बाइसेक्टर बाइसेक्टर तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आगे पीछे नहीं हो सकता है टू इक्वल पार्ट नहीं बनाएगा परपेंडिकुलर इसी जगह पे भी हो सकता है परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि वो 90 डिग्री का एंगल भी मेक कर टू पार्ट तो करे वो टू पार्ट में डिवाइड करते हैं पर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता कर भी सकता है और नहीं भी मे बी टू इक्वल पार्ट डिवाइड टू टू इक्वल पार्ट और नोट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते राइट तो परपेंडिकुलर का मीनिंग 90 डिग्री से है और टू पार्ट में डिवाइड करता है और बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मीनिंग वो 90 डिग्री भी है और टू इक्वल पार्टों में डिवाइड भी करेगा जब ये दोनों वर्ड एक साथ यूज करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर then condition is this two equal part भी होंगे और bisector भी होगा two equal part और 90 degree का angle भी make okay next condition 11 diagram please this seriously चलिए एक example है ये इसकी ये पूछा है कॉपी द फॉलोइंग फिगर ऑन अ स्क्वायर पेपर कंप्लीट ईच ऑफ देम सच दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ये आपको बतानी है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आप ये देखिए आप इससे लगता है कि बैलेंस एक फिगर है ये लाइन ऑफ सिमेट्री यदि इसके साथ में ये लाइन इधर हो जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी यस obviously this line of symmetry होगी okay but why same condition symmetry का meaning इसे मैं repeat कर रहा हूँ line of symmetry divide two into two balance part we can say that line of symmetry तो जो same condition is right left side की वो same condition right side It means line of symmetry है. Yes, it is line of symmetry. अगली condition, next figure, second line of symmetry, third figure, line of symmetry. In exercise 13.2. देखिए, copy the following figure on a square paper. Complete each of them such that the dotted line is the line of symmetry. First, yes. The given condition line of symmetry ये above below the given below and given same the condition above तो it has line of symmetry second it has line of symmetry third it has line of symmetry और आपको कोई paper graph paper लेना है उस पे बनाना है use only graph paper राइट कंडीशन गिवन है और आप इसको ट्राई करें ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री सेकंड भी थर्ड भी फोर्थ भी फिर थर्ड का सेकंड का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट सम नंबर 3 इन द एडजोइंग फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिकल यस द कंडीशन इज ओके
करता हूं मैं ट्राई, एक सिमेट्री बनाई दिखाता हूं आपको, बट आपको यू ट्राई ऑन ग्राफ पेपर ओनली. सम नंबर सी, द गिवन सम and we saying line of symmetry. We find the diagram complete line of symmetry. The L line of symmetry, the same condition we made possible or not. The condition, the given condition reflect by the line symmetry is blue. Okay, तो जो सेम कंडीशन गिवन है वो आपके हाथ के नीचे बन सकती है या नहीं बन सकती, वो ये पूछना चाह रहा है. बन सकती है, सेम कंडीशन ये है, ऐसी सेम कंडीशन ऐसी है. ओके, ये लीजिए और ये जो मैंने डार्क किया है ये लाइन ऑफ सिमेट्री से हमने इसकी न्यू रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री मेक की है. ओके, ये गिवन थी, ये आपका रिफ्लेक्शन है जो हमने फाइंड किया है जो मेक की. ओके, द लाइन इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री. यस इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन अपसाइड और ब्लू साइड में विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एल. ओके, सम नंबर 3 इज कंप्लीट. सम नंबर 4, इन द एडजोइनिंग फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, द ड्रो द इमेज ऑफ द पैरेललोग्राम एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम्स सिमेट्रिकल. राइट डाउन नाउ, आफ्टर दैट वी ट्राई सम नंबर 4. ओके, हरि बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन नाउ. Next, sum number 4, the diagram equal is it? Line of symmetry L. Question, मैं repeat कर रहा हूँ. Listen, L is the line of symmetry. Draw the image of the parallelogram and complete the diagram so that it becomes symmetrical. Yes or no? With the help diagram. Yes. With the help, L symmetry both the condition upside by with the help of reflection. Reflection के साथ में जो दूसरी secondary diagram figure जो बनेगी, L symmetry दोनों जगह काम करनी चाहिए. तो yes, यदि नहीं हुआ तो no. L it is a line of symmetry. The given parallelogram ABCD or second diagram is
चेक इट यस लाइन ऑफ सिमेट्री एल द गिवन पैरेललोग्राम जो डार विद द डार फिगर ए बी सी और न्यू डायग्राम ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश चेक द डायग्राम ए बी सी डी is the given parallelogram and L is the line of symmetry or E dash, B dash and C dash, D dash. Second, make parallelogram with the help of symmetry L line of symmetry. Okay, so it is yes and diagram. Write down I hope you understood the diagram and clear the topic symmetrical or symmetry, line of symmetry. Okay, write down now. Last and final sum. Next sum number 5. Copy the following figure on a square paper and find their reflection in the mirror line L. A the given parallelogram and the second shape is the triangle and L is a line of symmetry but working as a mirror. L line of symmetry. But working like that mirror and mirror second is triangle use the square paper means sum number first 13.2 sum number first diagram is this See the blackboard. Sum number first. Square paper use. Square paper line of symmetry like that mirror and upside the diagram. It is possible line of symmetry, reflection of symmetry. Okay. L is the, suppose that the dotted line we can say line of symmetry L, but working like that mirror. Mirror, use mirror and diagram making reflection. The square paper. Try. You will try. Sum number 5. Parallelogram and triangle also. Okay. Exercise is completed and chapter is completed. Symmetry topic is completed. Complete your notebook and practice on your practice notebook. Or you discuss me your problems. Okay. Topic is complete. Exercise is complete. Yes. Akash sir.
आकाश सर आई वॉन्ट टू डिस्कस द क्लास. मिस्टर आकाश सर, आकाश सर, यू लिसन मी आकाश सर. आकाश सर, टॉपिक इज कंप्लीटेड. I want to discuss students. Mr. Akash. Class. B continue. Activity 13.1. Some point it are pending. Page number 266. Okay. Semicircle, circle, letters. The letters is in front of A, B, I, N, O, T, U, V, W, X, and Y. You want understanding with symmetry to very surely and with explanation A. Dot is a line of symmetry. B, line of symmetry. C, line of symmetry. D, line of symmetry. E, line of symmetry. H, one line of symmetry. They have A, B, C, D, E. They have one line of symmetry with proof, with solution. Page number 266. A divide to balance part, B divide to balance part, C to balance part, D to balance part, E to balance part also. Okay, but H one line of symmetry? No, two line of symmetry is the factor of one. Horizontal and vertically both side. It means we can say two line of symmetry H. I, two line of symmetry. M, one line of symmetry. O, one and two line of symmetry. T, one line of symmetry. U, one line of symmetry. V, one line of symmetry. W, one line of symmetry. X, one or two line of symmetry. And Y, one line of symmetry. Okay. With the example A, B, C, D, and Y. 3, 5, 5, 10, or 5, 15. With example, one line of symmetry and two line of symmetry. I think you have no doubt. After the example, discuss example. Okay. Next, the diagram, line of symmetry, angle, line segment of symmetry, line segment, line of symmetry, angle, line of symmetry, scalene triangle, no symmetry, it means non-symmetry, isosceles triangle, line of symmetry, equilateral triangle, 1, 2 and 3 line of symmetry. Equilateral triangle, three line of symmetry. Right?
नेक्स्ट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल टू लाइन ऑफ सिमेट्री, रोम्बस टू लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर वन टू, वन टू थ्री फोर, अ स्क्वायर हैज फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, रेगुलर पेंटागन फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री, रेगुलर हेक्सागन सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री, काइट वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। द टॉपिक इज कंप्लीटेड।